महीना वो पवित्र महीना जहां भगवान शिव की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भोलेनाथ को यह महीना बहुत प्रिय है। राजस्थान में छोटी काशी कही जाने वाली राजधानी जयपुर में महादेव का वो मंदिर जो दूर दूर तक प्रसिद्ध है। आपने इस मंदिर का नाम जरूर सुना होगा, झारखंड महादेव मंदिर। आपको बता दें कि इस झारखंड मंदिर में सबसे बड़ी नंदी विराजमान है जिनका गिनीज वर्ल्ड बुक में भी रिकॉर्ड दर्ज है। और ये जो मंदिर है ये साल 1981 में बनाया गया था। बाबा गोविंद नाथ जी ने यहाँ 12 साल तक तपस्या की और फिर यहाँ उन्होंने खुद समाधि ली। साथ ही हमने यहाँ मौजूद कार्यकारिणी के अध्यक्ष से बातचीत की जहाँ उन्होंने गोविंद देव बाबा की धुनी की विशेषता के बारे में हमें बताया कि यह अखंड ज्योत है जो 24 घंटे जलती रहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम यहाँ कई सालों से सेवा कर रहे हैं, महादेव ने हमें और आने वाले भक्तों को कभी निराश नहीं किया। वहीं हमने यहाँ बात की राजस्थान युवा शक्ति के प्रदेशाध्यक्ष दिलीप सिंह नाथावत से। उन्होंने बताया कि ये मंदिर अपनी ऐतिहासिक यादों के साथ साथ लोगों की गहरी आस्था से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि यहाँ गोविंद बाबा जिन्होंने यहाँ समाधि ली और देवीदास जी दो प्रमुख बाबा रहे। झारखंड महादेव मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है और लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। इस ऐतिहासिक मंदिर का इतिहास 108 साल से भी ज्यादा पुराना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। मैं हूँ आपके साथ सिद्धिका मनोहर सोनी। महादेव की महिमा है कुछ अनोखी ही है। आज सावन का आखिरी सोमवार है। हमारी मौजूदगी है जयपुर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर झारखंड मंदिर में। देखिए, भारत में यूं तो कई अनेकों मंदिर हैं जहाँ से लोगों की भावनाएं और आस्थाएं जुड़ी है, लेकिन ये जो मंदिर है यहाँ से लोगों की आस्थाएं कुछ विशेष प्रकार से जुड़ी है, क्योंकि यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद है, कितनी बड़ी लंबी लाइन लगी है लोगों की जल चढ़ाने के लिए। भक्त अपने ही वो भक्त में मगन हो रहे हैं। साथ ही आप देखिए कि हर एक पत्थर को कितने सुंदर तरीके से यहाँ उकेरा गया है। देवियों की मूर्तियाँ लगी हुई है, लोग लगातार अब पूजा अर्चना कर रहे हैं, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पे लोग बैठे हैं, लगातार पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। और आप देखिए कि इस मंदिर की जो स्थापना है वो 1981 में की गई थी, और जो बाबा गोविंद नाथ जो थे उन्होंने 12 साल यहाँ तपस्या की थी। उसके बाद जो है यहाँ शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ था। उसी के बाद आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पर। आज सावन का आखिरी सोमवार है, कितने लोग आप मंदिर में देखिए, लोग किस तरह से जल अभिषेक कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। साथ ही आपको दिखा उसके बाद बात करते हैं कि उसके बाद यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। आइए, आइए आप। हसनपुरा से। हसनपुरा से कब से आ रही है? मैं यहाँ वैसे 2-3 साल से आ रही, पर मान्यता काफी सालों से है मेरी। क्या भव्यता है और क्या खासियत है इसमें? खासियत मनोकामना पूर्ण आपकी हुई है? हाँ जी। कितने टाइम से आ रहा है? मैं वैसे तो मेरे को 10-12 साल से आ रही, पर 2 साल से आ रही हूँ ना, मेरी मनोकामना पूरी हो रही है। और मैं कहती हूँ भोलेनाथ मेरी और मनोकामना पूरी करे और भगवान सबका ही भला करे, उनकी मान्यता है। मेरा नाम अनीता है। तो आपने देखा, हमने अनीता जी से बातचीत की जो हसनपुरा से आ रही थी। उन्होंने कहा कि मेरी जो है मनोकामना है वो भी पूर्ण हुई है। और उसके बाद हम और जो यहाँ पे मौजूद जो भक्तगण हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। यहाँ पे सावन में शिव जी का है इसलिए यहाँ ज्यादा आते हैं लोग, हर लोग यहाँ ज्यादा आ रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो भी मौजूद भक्तगण है सबका यही कहना है कि हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है, हम काफी सालों से यहाँ आ रहे हैं, हम लगातार जल अभिषेक भी कर रहे हैं और हमारी जो भगवान के प्रति आस्था है, विश्वास है, वो कभी भी हमें उससे दुख नहीं मिला है। हमें लगातार हमारी मनोकामना है जो पूर्ण ही हुई है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। देखिए, 1981 में जो है यहाँ के ये मंदिर का निर्माण हुआ था। ये मंदिर पहले बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि मंदिर कितना बड़ा हुआ है। ऊपर देखिए कि यहाँ पे देवियों की जो है लगातार मूर्तियाँ बनी हुई है, कितनी सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई है। हर एक एक पत्थर को उकेरा गया है, कितनी सुंदरता से जो है पत्थर को उकेरा गया है। आप देखिए कि यहाँ पे रुक्दमांता माता है, कशमंडा माता है, चंद्रगेटित माता है, ब्रह्माचारिणी माता है, शैलपुत्री माता है, कलरात्रि माता है, महागौरी माता है, सिद्धिदात्री माता है,
इसी एक और खास वजह मैं आपको बता दूं कि 13 वर्ष लगभग 13 वर्ष का जो समय है मनाने में लगा था। गोविंद नाथ जी जो थे उन्होंने यहाँ पे लगभग 12 साल तक तपस्या की थी। देखिए यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, बड़ी लंबी लाइन लगी है जल अभिषेक में। इनसे एक एक करके बात करते हैं, कहाँ से आए सर? जयपुर वैशाली नगर। जयपुर वैशाली। क्या खासियत है इस मंदिर की जो आपको यहाँ तक खींच लाती है हमेशा? इसका ये पुराना मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है और वास्तुशिल्प हिसाब से बना हुआ है ये। बहुत पुराना मंदिर पूर्ण हुई है, मनोकामना पूर्ण हुई है? जब सच्चे मन से करते हो तो हो जाती है, सबकी हो जाती है, मेरी नहीं सबकी हो जाती है। अच्छा, आप कहाँ से आए? हम अग्रवाल फार्म सुमेर नगर से। कब से आ रहे हैं आप? से आ रहे हैं। हाँ, जब से स्टार्टिंग में जब क्या खासियत है इस मंदिर में? मनोकामना पूर्ण होती है। तो आपने देखा यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उन्होंने सभी ने बताया कि हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, हम हमेशा आते हैं, हर सावन के महीने में आते हैं। और भी जो लोग हैं आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। आप कहाँ से? बगरू से। मैं बगरू से। हर सोमवार, आखिरी सोमवार है आज। क्या मांगने जा रहे हैं भगवान से? ये सुख शरीर से सुख शांति चाहिए और पूरा परिवार सुख शांति से रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, तो आपने देखा कि लोग जो है लगातार, कोई बगरू से आ रहा है, कोई जयपुर से ही आ रहे हैं, पर सबका एक ही कहना है कि हमारी मनोकामना है, हमारी मनोकामना है जो है वो पूर्ण होती है, भगवान कभी भी हमें निराश नहीं करते। और भी यहाँ पे बड़ी लाइन में, बड़ी तादाद में लोग मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आए? मैं घर से। घर से तो आए हैं, और कहाँ से आए? जयपुर। थोड़ी ना घर से आए? घर से आया हूँ ना, वर्धमान नगर। वर्धमान जी। कब से आ रहे? कई साल से आ रहा हूँ। कई सालों से आ रहे हैं। हुई है आपकी मनोकामना? जी हुई है। तो आपने देखा सभी भक्तों का यही कहना है कि हमारी मनोकामना जो है पूर्ण हुई है, हमने भगवान ने कभी भी हमें निराश नहीं किया है। अब आप देखिए कि बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद भी है और लगातार आते आ भी रहे हैं। कोई बगरू से आया है, बड़े दूर देश से लोग जो है आते हैं, दूर देश से आते हैं लोग और ज्यादा जानकारी के लिए और लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से आए? की जय। ये खातीपुरा चौधरी मार्केट से आया हूँ मैं। और ये हमारे कब से आ रहे हैं? ये हमारे जो पूर्वज हैं वो सब जब से हम यहाँ आते हुए हैं, यहीं के। सावन का आखिरी सोमवार है आज। सावन का आखिरी सोमवार है, भोलेनाथ को हम दर्शन करेंगे और उनसे विनती करेंगे कि सब देशवासियों को खुश रखे और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और सब। सावन का क्या महत्व? सावन का ये महत्व है कि हम लोग भोलेनाथ की झांकी देखने के लिए आते हैं और हर सोमवार आते हैं और काफी टाइम से यहाँ पे आ रहे हैं। अराउंड 10 साल हो गए मुझे यहाँ पे। 10 साल हो गए। हाँ हुई है, बाबा का आशीर्वाद है। कहाँ से आए हैं हम? हम लोग हाथों से आए के दरबार से। जो आता है मतलब आपने जो जो मांगा है वो सारी मनोकामना मिला है, सब कुछ मिला है हमारे को। बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ मिलता है, यहाँ कोई खाली नहीं जाता। बोल झाड़ के नाते की जय। आप कहाँ से आए? निवारू से। निवारू से। हर हमेशा आते, हर साल आते, हर मंडे आते हो? सावन का आखिरी सोमवार है। सावन से क्या महत्व समझते हो? इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते महत्व, भक्ति है। आपके लिए क्या स्पेशलिटी है यहाँ? सुकून मिलता है यहाँ। तो आपने देखा बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद थे, सभी का यही कहना है कि भगवान हमारी मनोकामना सुनते भी हैं और पूर्ण भी करते हैं, भगवान ने हमें कभी भी निराश नहीं किया है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और आप देखिए कि उधर कितनी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है जल अभिषेक के लिए। वहाँ पंडित जी है जो लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं लगातार कि लाइन में बने रहे, ढंग से जल अभिषेक करें। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो मौजूद महिलाएं हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। आप लहरिया पहन कर आइए साहब। क्या लहरिया पहनने की क्या खास वजह? अभी तो मुझे पता नहीं, पर सब पहनते हैं कि भाई सावन में हरी चूड़िया हरा लहरिया पहनो, यही मुझे पता है बस इतना ही। कब से आ रही है यहाँ? मेरे को तो पूरा 12 महीने, मतलब 2 महीने हो गए आते। हर सोमवार आते? हाँ हर सोमवार आते। सिर्फ सावन के महीने? नहीं, सावन के महीने में आते हैं हर सोमवार। सावन के महीने में हर सोमवार आती है? आते हैं। लगता है यहाँ के? अच्छा लगता है यहाँ पे आके, सुकून मिलता है। हाँ, मन में शांति होती है, सुकून मिलता है, ऐसे मिलता है कि भगवान से बातें कर रहे हैं अपन आ करके, अच्छा लगता है। मनोकामना पूर्ण?
हाँ कुछ हुई है और कुछ और मांगने आए हैं। विश्वास है भगवान? हाँ बिल्कुल विश्वास पे विश्वास। हाँ बिल्कुल। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो मौजूद महिला थी उन्होंने लहरिया के बारे में बताया कि सावन में लहरिया पहनना जो है वो बहुत खास होता है, इसलिए मैं लहरिया पहनकर आई, हरे 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 रंग का चूड़ा भी पहनकर आई। और भी यहाँ पे कई महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो कहाँ से आई है, कितनी दूर से आई है और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है या नहीं हुई है। कहाँ से आई? मैं वैशाली नगर से। हमेशा आती है आप? अच्छा, मनोकामना पूर्ण हुई है आपकी? अच्छा, सिर्फ सावन के महीने में ही आती है या सोमवार को आती है? हमेशा आती है? मतलब हर मंडे, एक सेम हर मंडे आती है। अच्छा अच्छा, कैसा लगता है यहाँ के? एक अलग ही फीलिंग होती है। अच्छा, सुकून मिलता है। देखिए, लेकिन जयपुर में तो भगवान शिव के और कहीं मंदिर है, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो आपको यहाँ तक आने में खींच लाती है? मतलब एक झारखंड मंदिर ही क्यों चुनती है आप आने के लिए? ऐसा लगता है जैसे भगवान खुद ही इसी मंदिर में बुलाने। अच्छा, भगवान खुद बुला रहे हैं आपको। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से हैं? हर संडे। हाँ मंडे आते हैं। आपको कैसा लगता है यहाँ के? अच्छा लगता है। अच्छा, आपने सावन का लहरिया पहनती है और जब मंदिर आती है तब ही पहनती है? जब ही पहनती है। अच्छा, तो आपने देखा यहाँ पर जो मौजूद महिलाएं थी उन्होंने कहा कि हम कई सालों से यहाँ आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, हर सोमवार आ रहे हैं, भगवान हमारी मनोकामना सुनते भी हैं और इसी विश्वास पर हम आ रहे हैं और इसी विश्वास पर हम लगातार आते भी रहेंगे। और भी यहाँ पर कई महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। देखिए, आप बातचीत करने से पहले आप देखिए कि लगातार लोग जो है पाठ कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं। आप देखिए कि लोग मतलब लोगों को कितना मतलब विश्वास है भगवान महादेव के प्रति कि लगातार वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। साथ ही आप देखिए कि यहाँ पे दीपक जो है जोत जलाई जा रही है, उनके सामने महिला बैठी है, वो लगातार पाठ कर रही है। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ का जो है इतिहास क्या रहा है। देखिए, 1981 में जो है ये मंदिर बनाया गया था। ये मंदिर पहले बहुत ही छोटा था, लेकिन गुरु गोविंद जी ने जब से यहाँ गुरु गोविंद जी ने लगातार यहाँ पे 12 साल तपस्या की थी, उसके बाद जो है यहाँ पे शिवलिंग प्रकट हुआ था। देखिए, कुछ भक्तगण और कार्यकारिणी के सदस्य और अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ का इतिहास क्या रहा है और यहाँ की कुछ रोचक बातों के बारे में यहाँ इनसे जानते हैं। क्या बन गया? देखो, ये मंदिर 108 साल पुराना है और ये बाबा उससे पहले निकले हैं, जो शिवलिंग है शंभू है ये वैसे निकली हुई जमीन से। और पहले मेरा में तो मैडम बहुत चेंजिंग आ गई, पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, अब तो ट्रस्ट की तरफ से पूरी सुविधाएं हैं, किसी को आने जाने वाले को कोई यहाँ पे परेशानी नहीं हो रही है। सुबह से यहाँ पे 4:30 से लेके और रात को 11 बजे तक हजारों की तादाद में भीड़ रहती है। सुबह बाबा का 4:30 आरती होती है, उसके बाद 4:45 जल अभिषेक होगा, 4:30 तक जल अभिषेक चलेगा, उसके बाद हमेशा यहाँ यही भीड़ रहती है या फिर सावन के महीने में ये भीड़ देखने को मिलती है? मैडम सावन में ज़्यादा है, बाकी तो रहती भीड़ तो रहती है, सावन जितनी नहीं रहती है। और यहाँ पे अभी जैसे आज सोमवार लास्ट सोमवार है सावन का, तो इसमें अभी शाम को 4:30-5 बजे बाद में नाव झांकी बनेगी जो लास्ट सावन को उसके बनती है। और बाबा के यहाँ पे दिन में भांग का भोग लगता है, जो हजारों की तादाद में लोग प्रसादी लेते हैं। ट्रस्ट की तरफ से हर सुविधा मिलती है यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे 150-200 जने हैं जो हम सुबह से लेके मतलब 2 दिन से हम सेवा देते हैं और हम आज रात तक हम सेवा देंगे। बाबा धूनी की यहाँ पे जो धूनी चलती है उसका क्या महत्व है, लोगों की आस्था उससे किस प्रकार जुड़ी है? देखो, बाबा की धूनी चल रही है मैडम, गोविंद बाबा की धूनी चल रही है यहाँ पे, तो उसमें ये कहते हैं और तो क्या कहते हैं, मैं मेरी कहता हूँ, मैं 26 साल से यहाँ आ रहा हूँ मंदिर के अंदर कंटिन्यू 365 दिन, बाबा जी सच्चे दिल से जो भी मांगा है यहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है। धन्यवाद। आप बताएं, आप जब जब यहाँ आते हैं आपको कैसा लगता है, क्या महसूस होता है? महसूस क्या, ये तो स्वर्ग है, इससे बड़ा कोई है नहीं, ये स्वर्ग है और स्वयंभू लिंग है। और ये जो धुनी चल रही है ये अखंड धुनी है, ये बाबा के हाथ की धुनी है। 108 साल तो हो गए ये हमें मालूम है, 108 साल तो हो गए ये हमें मालूम है, तो ये बिल्कुल साक्षात है।
सच्चे दिल से प्रार्थना करो, 100% पूरी होगी। यहाँ पर चार पैर की पूजा की जाती है, उस हाँ उसके बारे में। ये शिवरात्रि पे होती है चार पैर की पूजा, तो अभी तो नहीं, अभी वो चार पैर की पूजा में तो अभी टाइम है, वो शिवरात्रि पे ही होती है, बाकी अभी नहीं है। अभी तो डेली सुबह 4:45 की आरती और शाम में 10 बजे का शयन, सोमवार को 11:30 बजे का शयन है अभी, और आज सुबह 4:30 बजे की आरती हुई है। धन्यवाद आपका। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जो बाबा की समाधि है उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो गेट के खटखटे बजाए जाते हैं, उसके बारे में बताएं। खटखटे बजा के बाबा को बस सचेत किया जाता है कि भाई मैं अपनी अटेंडेंस लगाना है एक तरीके से, कि यहाँ पर अब मैं आ गया हूँ और मैं आपका सेवक हूँ और मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हूँ। और जो लोग यहाँ सच्चे मन से और जो नित्य आते हैं उनकी बाबा पक्के दिल मतलब सुनते हैं उनकी हर मनोकामना। आपकी मनोकामना हुई है पूर्ण? मनोकामना हुई है। मेरा बेटा बहुत बीमार था बचपन में और ICU में था, लेकिन जब मैं यहाँ आया और इनकी से मैंने मांगा कि मन का ठीक हो जाए, तो आधा घंटे बाद ही हॉस्पिटल से फोन आया कि उसकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। कभी निराश नहीं हुआ आप? कभी निराश नहीं हुआ इनकी। और सावन के महीने से जुड़ी कोई कहानी बताना चाहेंगे? सावन के महीने में तो हम लोग तो सेवा देते हैं यहाँ पर, हर संडे को आ जाते हैं और मंडे को शाम को निकलते हैं, जब तक भीड़ रहती है, जब तक पूरी हमारी कार्यकारिणी है वो सदस्य हैं, सब सेवा देते हैं यहाँ पर, किसी भी आने वाले को कोई तकलीफ नहीं हो। तो देखा आपने, हमारे साथ मौजूद थे, कार्यकारिणी के अध्यक्ष भी थे। मैं आपसे कहूँगा किसी के कोई भी तकलीफ हो, खाली 11 गुरुवार बाबा के ढोक दे के समाधि पे 5 मिनट बैठ के बाबा के वहाँ पर अर्च करके जावे 11 गुरुवार, कोई काम कितना ही कठिन कार्य हो वो 100% काम होगा, ये बिल्कुल। जय जाता। तो देखा आपने, हमारे साथ यहाँ मौजूद थे कार्यकारिणी के अध्यक्ष और कई भक्तगण, जिन्होंने जिनका साफ तौर पर कहना था कि हमारी कोई भी मनोकामना है, हर मनोकामना हमारी पूर्ण हुई थी। साथ ही आपने देखा कि एक जने ने हमें बताया था कि उनके बेटे की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, वो भी यहाँ आने के बाद ही उनका बेटा जो है पूरी तरह से स्वस्थ और निरोगा हो गया था। बड़ी लोगों की जो है बड़ी आस्था और विश्वास जुड़ा है इस जगह से। हमने जाना, श्रद्धालुओं से बातचीत की, लोग कितनी दूर दराज से यहाँ आते हैं अपनी मनोकामना को लेकर, भगवान उनकी मनोकामना सुनते भी हैं, पूर्ण भी करते हैं। मैं सिद्धिका सोनी, कैमरामैन संजय के साथ द नगरी न्यूज़, जयपुर।